आत्मा आज भी भटकती है। किस कक्ष में रानी मस्तानी की आत्मा भटकती है, जहाँ जाने से दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। आज हम दिन में भी हैं फिर भी यहाँ पर कोई नहीं दिखता है, एकदम सुनसान एरिया देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता हो। स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, ये मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ आज इस प्रकार से हमें खंडर अवस्था में थोड़ी छोटी छोटी दीवारें टूटी हुई मिलती हैं। जैसे ही और आगे आएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे तो इन मेहरामों को कुछ इस प्रकार की नटकासी है। जैसे ही और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हमें जैसी मस्तानी यहाँ पर आया करती थी तो यहाँ पर दोनों तरफ दास दासियाँ लगी रहती थी उनके स्वागत के लिए, फूल बरसाने के लिए। ऊपर देखेंगे तो हाथी की आकृति में कुछ इस प्रकार से कमल की पंखड़ियों से डिजाइन की गई है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले गेट लगा रहता था, लकड़ी का गेट। आज भी यहाँ पर देखिए कुंदे बने हुए हैं। पर जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मस्तानी कुछ ऐसे सीक्रेट कक्ष मस्तानी के महल में आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर गुप्त रास्ते भी बने हुए हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता है। यानी कि कुछ छुपा कर जो धन दौलत संपत्ति रखते थे उनके जेवरात थे मस्तानी के रानी के, तो यहाँ पर रखा कहती थी। और इसको छोटे से हॉल में अंदर की तरफ गया है और लेकिन इसके अंदर कोई नहीं जाता तो इसे नहीं दिखाएंगे। फिर जैसे ही हम मेन गेट से आएंगे तो सीधा प्रवेश नहीं कर सकते हैं इस महल में, यहाँ से आएंगे तो फिर यहाँ से जाना पड़ता है। आते हैं यहाँ पर तो यहाँ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमें इतना भव्य मैदान देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पर मस्तानी रहा करती थी और उनकी दास दासियाँ रहा करती थी। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है। किस कक्ष में रानी मस्तानी की आत्मा भटकती है, जहाँ जाने से दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। और दोस्तों आज मैं उसी कक्ष को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ऐसी ही किले में और कुछ लोगों ने देखा है, यहाँ के लोगों ने, कि मस्तानी रानी की आत्मा आज भी भटकती है। क्यों भटकती है और कैसे ये सब हुआ, चलते हैं पहले वहीं पर दिखाते हैं कि जहाँ पर जाना पॉसिबल भी नहीं है फिर भी हम आपको लेकर चलते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर दिन में भी नहीं जाते हैं लोग। आइए यहाँ आते हैं तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो इन पिलरों को देखेंगे तो इतने मोटे मोटे पिलर इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ इस कक्ष में अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि कोई नहीं जाता है, क्योंकि लोगों ने ऐसा देखा है कि यहाँ पर रानी मस्तानी की आत्मा यानी कि रात में या दिन में भी दिख जाती है कुछ लोगों को, तो इसलिए इस कक्ष में जाना पॉसिबल हम लोगों को भी नहीं है। देखिए अंदर आप लोग देख ही सकते हैं, उस कक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, उस कक्ष में लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कहते हैं लोग कि मस्तानी की आत्मा इस कक्ष में आज भी भटकती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं जाता है, तो हम भी नहीं जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं ऊपर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की छत टूटी हुई हमें नज़र आती है। और दोस्तों मस्तानी के महल में बहुत से कक्ष बने हुए हैं, कुछ कक्षों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर उनकी किचन हुआ करती थी, कहां पर वो बैठा करती थी, कहां पर उनकी दास दासियों रहती थी तो वो खाना बनाया करती थी, यह सब दिखाएंगे। यहाँ आते हैं तो आज हमें एक खंडर अवस्था में यह महल देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर रुका करती हूँ मस्तानी और अपना सिंहासन लगाया करती हूँ बैठकर, और यहाँ पर जो उनके दास दासियाँ रहती हूँ उनको काम बताती हूँ कि कहाँ पर तुम्हें आप आज के लिए काम करना है और अपने महल को किस प्रकार से, और यह महल
किसने मतलब क्यों मनवाया था। वैसे कहते हैं लोग के यहाँ पर महाराजा 36 साल ने अपनी पुत्री, जो महाराजा 36 साल की दस्तक पुत्री मस्तानी थी, उसी के लिए खास तौर पर इस महल का निर्माण किया था। आइए दोस्तों पहले इस किले को पूरा घुमा देते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि इतिहास किस प्रकार से है मस्तानी का। आइए यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए, आज हम दिन में भी हैं फिर भी यहाँ पर कोई नहीं दिखता है, एकदम सुनसान एरिया। देखिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता हो, और इसलिए इसे कहा जाता है कि देखिए यहाँ से हम पहले नीचे दिखा देते हैं, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर चलेंगे। पहले यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखेंगे, तो देखिए जैसे ही यहाँ आते हैं तो ऊपर नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर छत हुआ कहती थी, ऊपर भी छत हुआ कहती थी, लेकिन वो समय के साथ टूटकर आज देखिए कुछ इस प्रकार से पूरी बिखरी हुई पड़ी हुई है। ये एकदम जर्जर हो रहा है ये मस्तानी का महल। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी एक सुरंग टाइप में बनी हुई है, जहाँ पर गुप्त सामान रखा कहती थी मस्तानी। और देखिए यहाँ पर से जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस महल को बने हुए 400 वर्ष से ज़्यादा भी हो चुके हैं ऐसा बताते हैं, तो इसके अंदर कई कीड़े मकोड़े भी हो चुके हैं, इसलिए यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम पीछे की ओर अपने कदम लाते हैं, देखिए अब आगे यहाँ तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें समझ में आ रही हैं कि इस महल में आज भी आ रही हूँ, जैसे कि तो मस्तानी की आत्मा भटक रही है इस प्रकार से यहाँ पर। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नहीं बिल्कुल आता हो, एकदम सुनसान एरिया, चारों तरफ देखेंगे तो इस प्रकार से कक्ष बने हुए हैं, और जहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे कोई नहीं आता हो, और एकदम टूटता नजर आता है यह मस्तानी का महल। तो आइए दोस्तों यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने नीचे का भाग दिखाया है, आइए चलते हैं अब ऊपर दिखाएंगे और बाद में बताएंगे कि क्यों भटकती है आखिर मस्तानी की आत्मा इस किले में, क्या कारण है, क्यों लोग कहते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि मस्तानी आज भी यहाँ पर घूमती है। आइए यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पूरी छत टूट चुकी है और ऊपर भी उस कक्ष में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। आइए यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो यहाँ से नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर बेलाताल जैतपुर में बना हुआ है ए मस्तानी का महल। तो यहाँ पर देखिए मोनिया करती हैं, मोनिया के दिन पर यहाँ पर पूतना जलती है इस प्रकार से, और यहाँ पर मेला भी लगता है। देखिए यहाँ पर ऊपर छत कुछ इस प्रकार से है कि वो साबित है, लेकिन कुछ यहाँ नहीं चलेंगे, मेन पॉइंट को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मोर भी बनी हुई है, क्योंकि मस्तानी को मोर से ज़्यादा लगाव था, उन्हें मोर पसंद थी, इसलिए मोर की पंखड़ियों से और कमल की पंखड़ियों से इसमें डिजाइनें निकाली गई हैं कि महाराजा 36 साल ने एक तोहफे के तौर पर इस महल को बनवाया था कि मेरी बेटी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो देखते ही खुश है, पहले सब घुमाएंगे फिर उसके बाद बताते। आइए जैसे यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चिकनी टूट की पूरी साबित रखी है। जैसे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो भी दासियाँ खड़ी रहती तो यहाँ बाहर का नारा हमें देखने को मिलता है, पूरे
पूरे महल पर यहीं से दास दासियां खड़ी रहती थी। केवल यहाँ पर इस महल में, मस्तानी के महल में केवल महिलाएं वह थी। तो महिलाएं यहाँ पर जो दास दासियां थी तो वह बंधु के लिए यहाँ पर से खड़ी रहती थी कि ताकि कोई दुश्मन आए और यहाँ पर आक्रमण करे तो उन पर पहले ही वार कर दिया करती थी, इस तरह से खड़ी रहती थी। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आज हमें इस अवस्था में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे और सभी बताएंगे यहाँ पर। देखिए कुछ इस प्रकार की